सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है। पुत्र के परिवार ने लगाए थे भारत सरकार पर आरोप। क्या भारत सरकार ने नहीं की रविंद्र को बचाने की कोशिश? रविंद्र की मां ने क्या लगाए थे भारत सरकार पर आरोप? क्या भारत ने नहीं पहुंचाई थी रविंद्र को दवाइयां? रविंद्र कौशिक जो आज तक का बेस्ट स्पाई माना गया है, 1983 में पाकिस्तान में उनका राज खुला और तब से आज तक उनका ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता, जिन्हें इंडस्ट्री में रियल लाइफ बेस्ड मूवीज बनाने के लिए जाना जाता है, वो रविंद्र कौशिक पे ही बायोपिक बना रहे हैं। मूवी का नाम ब्लैक टाइगर इसलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें ब्लैक टाइगर कहा था। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे कौशिक ने 23 साल की उम्र में भी भारत छोड़ दिया था और फिर वो वापस अपने देश कभी नहीं आए। रविंद्र के परिवार की माने तो भारत सरकार ने कभी रविंद्र को बचाने की कोशिश ही नहीं की। तो आज हम जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और किसने लगाई है भारत सरकार पर ये आरोप। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ एंड तक। रविंद्र कौशिक की पढ़ाई श्री गंगानगर के एक सरकारी स्कूल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया। रविंद्र कौशिक को अभिनय और मिमिक्री का बहुत शौक था। उनकी थिएटर परफॉर्मेंस को देखने के बाद एक रॉ अधिकारी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अपने पिता को बताया कि वो दिल्ली जा रहे हैं नौकरी करने। 23 साल की उम्र में रविंद्र रॉ से जुड़ गए। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। कौशिक नई चीजों को बहुत तेजी से सीखते समझते थे। उन्हें पाकिस्तान भेजने से पहले दुबई भी भेजा गया ताकि वो उर्दू को अच्छे से समझ पाए और वक्त के साथ शायद वो एक पाकिस्तानी से भी अच्छी उर्दू सीख गए। 1983 में रविंद्र का राज खुलने के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े जाने के बाद भारत ने उन्हें पूरी तरह से त्याग दिया था। रविंद्र कौशिक के परिवार ने कई बार उनकी पाकिस्तानी जेल से रिहाई के लिए भारत सरकार से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें हर बार यही जवाब मिलता था कि पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा उठाया गया है। रविंद्र के परिवार ने भारत सरकार पर ये आरोप लगाया कि उन्होंने कभी भी कौशिक को जेल से छुड़ाने की कोशिश नहीं की। ऐसा ही एक खत में रविंद्र की माँ अमला देवी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जब वो मर रहे थे तो उन्हें दवाई तक नहीं पहुँचाई गयी, जबकि उनकी भेजी हुई सूचनाओं से 20,000 से भी ज्यादा सैनिकों की जान बचाई गई। उनके परिवार को हर महीने बस 500 रुपए की मदद मिलती थी, जो बाद में 2,000 कर दी गई थी, और रविंद्र की मां के मौत के बाद उसे भी बंद कर दिया गया। रविंद्र को सरकार की मान्यता मिले ना मिले, मगर वो भारत के इतिहास में अपना नाम लिखवा गए, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता रविंद्र कौशिक की इस दास्तान को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ताकि जो लोग रविंद्र के बारे में नहीं जानते उन्हें भी पता चले कि रविंद्र ने भारत के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी ये हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमें आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। हंसते मुस्कुराते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।